हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर है और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसकी फीस बहुत ही कम है। प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ही कम है बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में मैं आपको फीस बताऊंगा और कंप्लीट जो शेड्यूल आई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये जो नोटिस रिलीज की गई है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई है। ठीक है, और राइट, ये जो इसमें कोर्स है बीएमएस बीएचएमएस बीएनवाईएस पाठ्यक्रम में एडमिशन हेतु जो है इसे नोटिस को रिलीज किया गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को इसमें शेड्यूल की। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो शेड्यूल को। शेड्यूल को स्क्रीन पर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया जो बीएचएमएस जो शेड्यूल दिया गया कंप्लीट शेड्यूल है ये, जिसमें कोर्स है आपका बीएएमएस बीएचएमएस और पाठ्यक्रम के लिए जो है राज्य कोटे के, राज्य स्टेट कोटे के और निजी महाविद्यालय की ऑल इंडिया कोटे की जो सीट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुई है वो कब हुई है, 22 सितंबर से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट जो है आपका वो कब है, 2 अक्टूबर को है। ठीक है बच्चों, रात के 11:59 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, प्रोसेस को कर सकते हो। ठीक है, बीएनवाईएस पाठ्यक्रम के लिए सीटों के लिए प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि जो है बीएनवाईएस कोर्स मतलब बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड एग्रीक साइंस से कोर्स है, उसके लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 22 नवंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक के, 22 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक होगी। ठीक है बच्चों, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी, जो लास्ट डेट आपकी दी गई है वो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बीएमएस और एक और शेड्यूल को समझ लीजिए। देखिए बीएमएस जो है ना, इस शेड्यूल को समझिए आप बच्चों, बीएमएस और बीएचएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संस्था का चयन जो आप कर सकते हो, जो कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग जो आप कर सकते हो, कब कर सकते हो, 22 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, किसके लिए, राज्य कोटे की सीट यानी स्टेट कोटे के बच्चों के लिए कितनी फीस है, जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको कितना पैसे लगेंगे, 1500 रुपए लगेंगे। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति और विशेष पिछड़ी अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र है उसको 900 रुपए देने होंगे। ठीक है बच्चों, अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को 1500 रुपए देना होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को 900 रुपए देना होगा। ठीक है, उसके बाद जो निजी महाविद्यालय जो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो फॉर्म फिल करते हैं उसके लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, उनको कितने बच्चे पैसे देने होंगे बच्चों, 1500 रुपए पे करना होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए जो सीट की कंडीशन दी गई है। ठीक है, यहाँ पर कॉलेज टॉप टू बॉटम कॉलेज भी मैं आपको बता देता हूँ, राजीव लोचन, ये जो कॉलेज है आपका, ये कौन सा कॉलेज है, राजीव लोचन। ठीक है बच्चों, राजीव लोचन आयुर्वेद महाविद्यालय है, चिकित्सालय जो दुर्ग में है, इसकी 9 सीटें हैं ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए। बीएमएस की भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय ये भी दुर्ग में है, ये भी बहुत अच्छी कॉलेज है, यहाँ पर टोटल 15 सीटों को परमिशन मिली है। छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय राजनंद गांव भी इस बार एड हुई है, उसमें 9 सीटें हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो है राजनंद गांव में ही है, इसकी भी आपका जो फीस है सीट है 9 सीटें हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद रायपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है बीएचएमएस के, इसमें 8 सीटें हैं, यानी ऑल इंडिया की टोटल 50 सीटों के लिए काउंसलिंग होगी, 50 सीटों के लिए काउंसलिंग आपकी होगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद शासकीय निजी क्षेत्र में जो स्टेट कोटे की जो शासकीय निजी क्षेत्र में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट की सीटें हैं उसकी भी मैं कंडीशन आपको बता देता हूँ। नारायण प्रसाद अवस्थी जो कॉलेज है रायपुर में है, ठीक है बच्चों, इसमें सीट है 64 सीटें हैं टोटल। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा कॉलेज शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर है, 2 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 64 सीटें हैं। उसके बाद राजीव लोचन आयुर्वेद महाविद्यालय दुर्ग में है, 51 सीटें हैं स्टेट के बच्चों के लिए। भारतीय आयुर्वेद चिकित्सालय महाविद्यालय दुर्ग में है, इसमें 85 सीटें हैं, इस कॉलेज को टोटल 100 सीटों की परमिशन मिली है इस साल। ठीक है, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में 51 सीटें हैं, इसको 60 सीटों की परमिशन मिली है। ठीक है, उसके बाद महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो है राजनांदगांव, उसमें भी 51 सीटें हैं, और रायपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में 42 सीटों की स्टेट कोटे की बच्चों की परमिशन है। ठीक है, उसका यूनानी के कॉलेज है, 2 कॉलेज है यूनानी की। ठीक है, एक कॉलेज यूनानी की है, इसके 50 सीटें हैं, टोटल 458 सीटों के लिए यहाँ पर काउंसलिंग होगी और उसमें एडमिशन होगा बच्चों। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज बता दो बच्चों, रिजर्वेशन की रूल बता देता हूँ आपको, कि रिजर्वेशन का ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चे दूसरे स्टेट से आते हैं, अगर दूसरे स्टेट में, इस बार नई रूल लागू की गई है, अगर दूसरे स्टेट में आप जनरल में हैं तो यहाँ जनरल में रहोगे, दूसरे स्टेट में अगर ओबीसी में है तो आप यहाँ पर ओबीसी में ही रहोगे। ठीक है, यानी कि जनरल क्वालिफाइड मार्क्स 107 है तो भी आपको यहाँ सीट मिल सकती है। उसके बाद अगर दूसरे स्टेट में एससी में हो तो यहाँ भी एससी में आओगे, और एसटी में है तो एसटी में आओगे। ठीक है, ऑल इंडिया के 15% सीट के लिए सारे बच्चे जो के लिए यही रूल फॉलो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज की फीस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस तो आप सबको पता ही होगा, मैं आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की फीस बता देता हूँ। सारे कॉलेज की जो फीस है वो ज्यादा फीस नहीं है, 1,26,000
₹500 मात्र फीस है, 1,26,500 फीस है प्राइवेट कॉलेज की, जो बहुत कम है, और होम्योपैथी कॉलेज की शायद 62,000 के आसपास है, ज्यादा फीस नहीं है। तो यहाँ पर आप ले सकते हो, जिनको कम फीस में अच्छे कॉलेज चाहिए तो उनको मिल जाएगा। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं, 15% ऑल इंडिया के बच्चों के लिए कट ऑफ काफी ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। यूआर कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ रहने वाली है वो 480 के अराउंड रहने वाली है। यहाँ पर इस बार कॉलेज भी एड हो गई है, भारतीय कॉलेज एड होने के कारण इस कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो यहाँ पर कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 460 के आसपास। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कट ऑफ कैंडिडेट के लिए 455 के आसपास रहेगी। और उसके बाद एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 250 के अराउंड यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगी 15% ऑल इंडिया कोटा को। और एसटी कैटेगरी में आपको 160 के आसपास से कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके आसपास है तो जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है बच्चों। और गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ की वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।